Hello everyone, this is Ashijan. In this video lecture, we are doing another example of HTML. Now we have left only one topic, that is frame. That means how to create a frame by using all the HTML, by using all the web page. We have album in our home. तो उसमें देते हैं लाइक एक फ्रेम में हम काफ़ी सारे पिक्स हम ऐड कर देते हैं. ऐसे यहाँ पर हम एक वेब पेज बना रहे हैं जहाँ पर एक ही फ्रेम में हम जो है काफ़ी सारे वेब पेज हम इंक्लूड कर देंगे. तो उसको जब हम फ्रेम सेट करते हैं तो उसको होते हैं एक तरह का हम काफ़ी सारे जो हैं हम सोर्स यूज़ कर सकते हैं. कितने एग्जाम्पल हम यूज़ करें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे देखिए मैं जो फ्रेम है वो मैं इन ये सब के सब जो है एग्जाम्पल मैं इसमें ऐड करूँगा. पहले मैं आपको एक एक करके इनका एक बार आपको आउटपुट शो कर देता हूँ. ये देखिए ये हमने बनाया था हमने पहले से ही. फिर हमने फॉर्म भी क्रिएट किया था, ये वाला फॉर्म. एंड देन नेस्टेड टेबल, आई होप यू हैव रिमाइंड ऑल दिस, ये हमने बनाया था. तो मैं इन तीनों को ही जो है एक एक ही सिंगल वेब पेज में इसको बनाए लेके आना मुझे. तो वो कैसे लेके आते हैं, बाय यूजिंग द फ्रेम. तो देखिए कैसे करेंगे. पहले वही HTML टैग यूज़ करेंगे, देन हेड, देन टाइटल, फ्रेम्स नाम दे देते हैं फ्रेम्स, टाइटल क्लोज, then head close, then देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टैग ओपन करेंगे विच इज कॉल्ड फ्रेम सेट. एंड मान लीजिए मैं तीन ये जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी जो शो करे इन तीनों कहूँ मैं एक कॉलम वाइज इनको डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एक प्रोपोर्शन में देना पड़ेगा लाइक किन प्रोपोर्शन में मैं इनको शो करना चाह रहा हूँ. मान लीजिए मैं फर्स्ट टू को मैं 25 25 एंड देन लास्ट वन को मैं 50% में इसको प्रोपोर्शन में डिवाइड करना चाह रहा हूँ. कैसे करेंगे, देखिए फ्रेम सेट कॉलम वाइज करें तो कॉल्स इक्वल टू से 25% 25% एंड रिमेनिंग गोज टू लार्ज थर्ड वन दैट इज 50%. एंड देन वी हैव टू अटैच अ फ्रेम सोर्स, लाइक जैसे इमेज के लिए हम अटैच करते हैं तो इमेज सोर्स यूज करते हैं, ठीक है. ऐसे ही फ्रेम के लिए करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, देखिए फ्रेम सोर्स SRC इक्वल टू कौन सा लिखा है ना मुझे, जैसे देखिए फ्रेम मैंने फर्स्ट है देख के लिखा हुआ है एग्जाम्पल टू. तो देखिए वहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इन इन्वर्टेड कोमा EG2.html इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड देन नेक्स्ट के देखिए क्या नाम लिखा है, फॉर्म्स. सो वही फ्रेम SRC इक्वल टू फॉर्म्स डॉट HTML इन्वर्टेड कोमा दैट्स इट एंड द नेक्स्ट वन इज नेस्टेड फ्रेम SRC सॉरी इक्वल टू nested.html that's it. अब बस फ्रेम सेट जो टैग ओपन किया था उसको क्लोज कर देते हैं. एंड देन क्लोज HTML that's it. अब मैं सेव करना है इसको. मान लीजिए मैं रख देता हूँ frame.html. अच्छा याद रखना आपको, जैसे देखिए मैं ये तीन फोल्डर जहाँ पर आपके होंगे उसी फोल्डर में आपको वही फाइल सेव करनी है जो आप बना रहे हो, ठीक है. तो सेव करते हैं, अब देखते हैं. देखिए ये रहा फ्रेम, ओपन विद गूगल क्रोम. देखिए अब तीनों के तीनों जो हैं हमने जो वेब पेज क्रिएट किए थे
वो एक ही फ्रेम में आ गए हैं. सो दिस इज़ द वे ऑफ यूजिंग फ्रेम्स आर टैग. ये छोटा सा एग्जांपल था, तो आपके एग्जाम में ये भी कई बार आ जाते हैं. सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. थैंक यू.